Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. How are you all? This is your social studies period. And today we are going to start a new lesson, which is lesson number 10, Money and Bank. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 50. Lesson 10, Money and Bank. Kya hoti hai money? जी, मनी इज व्हाट वी यूज टू बाय थिंग्स. ऐसी चीज जिसे हम थिंग्स बाय करते हैं उसे मनी कहते हैं. मनी डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, बट हमारी कंट्री पाकिस्तान में मनी जिन टू मेजर फॉर्म्स में यूज होती है उनमें आ जाती है पेपर मनी एंड कॉइन्स. ये तो सबको पता है ना. गुड. बार्टर. बेटा, क्या आपने कभी अपनी चीज़ों को या अपने फूड आइटम्स को अपनी सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज किया है? अपनी चीज़ उसको देकर उसकी चीज़ आपने ले ली हो, ऐसा किया होगा ना सपने. गुड. इसको कहते हैं बार्टर. बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी. यानी कि चीज़ों के एक्सचेंज को विदाउट यूज ऑफ मनी, मनी के यूज के बाहर कहा जाता है बार्टर. अर्ली पीपल एक्सचेंज करते थे अपनी चीज़ों को. जो चीज़ उन्हें नहीं चाहिए होती थी वो चीज़ दूसरे को दे देते थे जिसे उसकी नीड होती थी, और उसके बदले कोई और चीज़ दूसरे से ले लेते थे जिसकी नीड उन्हें होती थी. इस तरह से अर्ली टाइम्स में लोग यूज़ करते थे सॉल्ट, टी, टोबैको, कैटल और सीड्स को इन प्लेस ऑफ मनी. उस टाइम में मनी जो है वो सॉल्ट थी, टोबैको था, कैटल थी, सीड्स थे. लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे एज अ मनी इन प्लेस ऑफ मनी. उस टाइम पे नोट्स और कॉइन्स तो होते नहीं थे, तो ये ही सब चीज़ें यूज़ होती थी. फॉर एग्जांपल, हंटर एनिमल स्किन को एक्सचेंज कर सकता था फार्मर से ताकि वो ग्रेन्स हासिल कर ले. इसी तरीके से फिशरमैन हंटर से स्टोन एक्स ले सकता था अगर वो उसको सीशेल दे दे, तो इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा गुड्स का, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट बार्टर. लेकिन इस सिस्टम का, बार्टर सिस्टम का एक डिसएडवांटेज था. वो क्या था, कोई बताएगा? ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि बार्टर इसलिए डिफिकल्ट था, हर बार जब शॉपिंग पे लोग उस टाइम पे जाते थे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था. आसान नहीं था कि वो बैग्स ऑफ सॉल्ट को और पेयर ऑफ काउस को अपने साथ साथ जो है वो कैरी करें, उनको अपने साथ रखें, तो ये डिफिकल्ट था उन लोगों के लिए. तो ये एक डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का. ओके बेटा, लुक एट दिस. जी बेटा, इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? कॉइन्स नजर आ रहे हैं ना. तो फिर क्या हुआ, लोगों ने इस बात की जरूरत महसूस की कि मनी जो है वो कोई ऐसी चीज हो जिसे हम आसानी से कैरी कर सकें. तो फिर सबसे पहले चाइना में बिटवीन 1000 to 600 BCE सबसे पहले कॉइन्स यूज हुए थे जो कि बेस मेटल के बने हुए थे. चाइनीज इन कॉइन्स को बेस मेटल से बनाया था और इन कॉइन्स के अंदर जो है वो होल्स होते थे. तो क्या एडवांटेज था इसका कि सारे कॉइन्स को एक साथ चेन की फॉर्म में कैरी करना बहुत आसान था एज कम्पेयर टू काउस एंड सैक्स ऑफ ग्रेन्स. नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 51. दिस इज पेज नंबर 51. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. लुक एट दिस पिक्चर, आपको भी नजर आ रहे हैं ना सबको. ये देखिए, ये रहा सिल्वर कॉइन, दिस वन इज गोल्ड कॉइन. बाय 700 BCE गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड इन लीडिया मॉडर्न डे टर्की. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज हुए थे लीडिया में, जिसे हम आज टर्की कहते हैं, जो कंट्री टर्की है. और इन कॉइन्स के ऊपर प्रोफाइल्स ऑफ गॉड्स और किंग्स जो है वो स्टैम्प हुए हुए होते थे. ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना. और जितना ज़्यादा कॉइन भारी होता था उससे उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती थी. ओके बेटा, पेपर मनी. इन 806 CE 618 to 907 द फर्स्ट नोन पेपर मनी वॉज यूज इन चाइना. सबसे पहली पेपर मनी भी चाइना में यूज हुई थी. ये देखिए, आपको यहाँ पे शो भी हो रही है पिक्चर में, ये फर्स्ट पेपर मनी है. पेपर मनी है तो
जी पेपर के बने हुए नोट्स होते थे जिन्हें यूज किया जाता था एज पेपर मनी। कॉइन्स और पेपर नोट्स जो गवर्नमेंट इशू करती है उसे कहा जाता है करेंसी। और हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट कॉइन्स और पेपर नोट जो है वो इशू करती है जिसे कहा जाता है करेंसी। तो हर कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है, लाइक पाकिस्तानी करेंसी रुपी है, ये सबको पता है ना। एंड RS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपी। करेंसी ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट वैल्यूज थी। अर्लियर जो कॉइन्स यूज होते थे पाकिस्तान में वो कौन कौन से थे, लुक एट दिस पिक्चर, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं ना, 25 पैसा, 10 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, ये देखिए 50 पैसा। और अभी भी ये कॉइन्स यूज होते हैं ना, 1 रुपी, 2 रुपीज़ का और 5 रुपीज़ का, है ना बेटा। आप सबने भी यूज किए होंगे ना कॉइन्स, लास्ट 3 कॉइन्स। बाकी जो ये सारे कॉइन्स हैं ये अर्लियर पहले यूज होते थे पाकिस्तान में। नाउ अ डेज वी यूज पेपर मनी मोर देन कॉइन्स, ये तो सबको ही पता है कि हम लोग अब पेपर मनी ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कॉइन्स। ये देखिए 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, कम टू पेज नंबर 52, 500 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। ओल्ड नोट्स विच आर नॉट इन यूज नाउ, और ये सारे वो ओल्ड नोट्स हैं जो अब यूज में नहीं है। पहले 10 रुपी का ऐसा नोट होता था, 2 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, अब ये वाले नोट जो हैं ये वाले नोट्स यूज नहीं होते हमारी कंट्री में। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड पेज नंबर 50 टिल 52। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।